हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु रोग के बारे में। ये रोग अक्सर कम उम्र के लड़कों में होता है। वैसे तो ये रोग बड़ी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इसका शिकार कम उम्र के नौजवान ही होते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी रोग के बारे में बताएंगे। ये एक गंभीर बीमारी है और वक्त रहते इसका इलाज बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इस बीमारी से जुड़े तथ्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप ऐसी और हेल्थ रिलेटेड किसी भी और वीडियो को आसानी से ढूंढ सकें और जागरूक हो सकें। धातु रोग व्यक्ति के दिलो दिमाग को कमज़ोर करके उसके शरीर को बेजान बना देता है। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। नसों में कमज़ोरी आना, प्रोस्टेट में सूजन रहना, ज़्यादा मदिरा, धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना, शरीर में पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और वाइटमिन्स की कमी होना आदि, ऐसे कई रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। अगर आप इसका ठोस कारण जानना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आइए अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये लक्षण अलग अलग इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन लक्षणों के बारे में जो नवयुवक अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, कमज़ोरी, आलस और सुस्ती आना, बहुत ज़्यादा नींद आना या फिर जल्दी थक जाना, आँखों के आगे अंधकार छा जाना और आँखों का कमज़ोर हो जाना, बार बार यूरिन पास करना। ये सभी कुछ लक्षण हैं। यदि आपको अपने अंदर इनमें से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको सही समय पर सही इलाज कर सकें। हमने विस्तार से आज बात की धातु रोग के बारे में। इसको आप ध्यान से समझें और अपने प्रियजनों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे वो भी इस समस्या से बच सकें, और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ी कोई भी बात है या सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।